नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एम ट्वेंटी के देख रहे हैं। आप सबका मेरा चैनल में स्वागत है और आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया है, जिसके बदौलत मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ, स्वस्थ हूँ और खुशनुमा हूँ। और आप सब भी खुशी होंगे जहाँ भी होंगे वहाँ। देखिए, हम सभी दिव्यांगजनों की जिंदगी में थोड़ा बड़ी परेशानी होती ही रहती है, घबराना नहीं है, उम्मीद रखना है और जिंदगी जीना है खुशी से। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि UDID कार्ड और दिव्यांग सर्टिफिकेट कितने दिनों में बन जाता है, क्या आज मैं अप्लाई करूँगा, ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ तो उसके कितने दिनों तक जो है से मेरा काम पूरा हो जाएगा और बन जाएगा और मैं उसे उस सर्टिफिकेट और UDID कार्ड को डाउनलोड करके अपने पास रख सकता हूँ या डाक के माध्यम से आ सकता है, इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अब सभी का कमेंट मैसेज आ रहा था तो सोचा कि इस पर एक अच्छा से वीडियो बना दूं और आपको बता दूं। आप जानते हैं कि मेरे रूम में एसी नहीं है, जिसके चलते इतनी गर्मी है कि पसीना आप देख रहे हैं, तर पसीना चू रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि UDID कार्ड और दिव्यांगता सर्टिफिकेट आप जो है सो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो आपको वेबसाइट पर जाना होता है। UDID कार्ड लिखिएगा तो आ जाएगा, स्वावलंबन card.com वेबसाइट का नाम है। उस वेबसाइट आप अपने मोबाइल से भी जा सकते हैं, लैपटॉप भी खोल सकते हैं या किसी कंप्यूटर वाले से भी आप ऑनलाइन आवेदन करवा लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या लगते हैं, तो आधार कार्ड लगता है, राशन कार्ड लगता है, एक फोटो लगता है, एक सिग्नेचर लगता है, पूरी एड्रेस के साथ आपको उसमें फिल करना होता है। उसके बाद आवेदन करने के बाद आपको क्या करने होंगे कि रिसीविंग मिलेगा, इस रिसीविंग को अपने पास रख लेना है और उसी रिसीविंग से आपको डाउनलोड होगा जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, बन जाएगा। आवेदन करने के 2 से 4 दिन के बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें वेरिफिकेशन कराने के लिए मेडिकल बोर्ड यानी मेडिकल कॉलेज जो भी आप चुने होंगे अपने जिला का, उस जिला से एक मैसेज आता है कि आप आइए, इस दिन आपका जो है सो चेकअप कराना है, आप आ सकते हैं, उस दिन आपका स्लॉट बुक हुआ है। तो आप उस दिन जाइएगा, आपका चेकअप होगा। चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब देखते हैं कि आप कितने परसेंट दिव्यांगता रखते हैं, कितने परसेंट आपको दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनने लायक आप कितने परसेंट हैं, तो डॉक्टर साहब उतने परसेंट बना देते हैं। और बनाने के बाद जो है सो 1 से 2 दिन के बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि हाँ, आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, आपका UDID कार्ड नंबर यह है और आपका सर्टिफिकेट नंबर यह है। उस सर्टिफिकेट UDID कार्ड नंबर से आप जो है सो ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वह वीडियो जाकर आप देख लीजिए। और कुछ दिन के बाद डाक से UDID कार्ड ओरिजिनल चलाता है आपके बाय पोस्ट आपके घर पे। तो यह प्रक्रिया है, लगभग ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत बाद यानी 10 से 15 दिन में आपका UDID कार्ड बनकर तैयार हो जाता है, सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, आपका पैरवी होगा यानी आपका जान पहचान होगा या किसी दिव्यांग संगठन से जुड़े हैं तो उस संगठन के माध्यम से 5 दिन में बन जाएगा। 5 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा कह दिया हूँ। आवेदन करने के नेक्स्ट जो कमेटी बैठे, जो डॉक्टर का बैठता है, डॉक्टर के लोग चेकअप करने के लिए, उस चेकअप में आप तुरंत जाइए, आपका चेकअप हो जाएगा और तुरंत 2 दिन तक बन जाएगा। 5 दिन में करीब 5 दिन किसी तरह कीजिएगा, जितना भी जल्दीबाजी कीजिएगा तो 5 दिन तो लग ही जाता है। तो मैं क्या बोलूँ, 5 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी 5 दिन और अधिक से अधिक 1 महीना में बनकर तैयार हो जाता है। कोई भागदौड़ नहीं है, 1-2 बार आपको जाना होगा जिला हॉस्पिटल में, 1 बार चेकिंग चेक कराना होगा, उसके बाद बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा कमेंट कीजिएगा, मैं फुल आपका हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।